हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरबीआई स्टूडियो। आज हम 1991 में आई रिटर्न टू द ब्लू लगून मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह ब्लू लगून का दूसरा पार्ट है और इससे पहले इसका पहला पार्ट 1980 में आ चुका है, जिसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और अगर आपने अभी तक उस मूवी को नहीं देखा है तो इससे पहले आप उसे जरूर देख लें, तो इस मूवी की कहानी को समझने में आपको थोड़ा आसानी होगी। तो दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि रिचर्ड और एमलिन की नाव को एक शिप के द्वारा खोज लिया जाता है, जहां पर एक आदमी इनकी नाव में जाकर चेक करता है और कहता है कि ये मर चुके हैं, लेकिन इनके बच्चे पैडी को सही सलामत बचा लिया जाता है। अब इस शिप में एक सारा नाम की औरत सफर कर रही थी, वह इस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। सारा एक विधवा है और उसकी खुद की एक बेटी है जिसका नाम है लिली। पर अफसोस की बात यह है कि रिचर्ड और एमलिन मर चुके थे क्योंकि उन्होंने रेड बेरीज खा ली थी। अभी शिप का कैप्टन और क्रू इन दोनों का अंतिम संस्कार समंदर में ही विसर्जित करके कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इस शिप पर प्लेग नाम की बीमारी फैल चुकी थी और ये जो समय चल रहा था यह 1897 का था और ये वही समय था जब प्लेग का तीसरा दौर चल रहा था। इन दिनों प्लेग को बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जाता था क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था। अब जहाज के कैप्टन और क्रू फैसला करते हैं कि सारा और उन दो बच्चों को समंदर में एक नाव पर छोड़ दिया जाए, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई जहाज बचा लेगा या फिर वह किसी आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस जहाज पर उनका प्लेग से मरना तो तय ही था। इसलिए उन्हें एक नाविक केनी के साथ रात को एक नाव पर समुद्र में उतार दिया जाता है और जब सुबह होती है तो सारा केनी से एक कप पानी मांगती है, पर केनी उसे पानी देने से मना कर देता है। वो कहता है कि हमें पानी बचा कर रखना होगा। और इसी तरह से वो दिन बीत जाता है और रात भी। अब अगली सुबह भूख और प्यास की वजह से बच्चे रोए जा रहे थे, लेकिन केनी था कि उन्हें एक कप पानी देने को भी तैयार नहीं था। उल्टा वह बच्चों के रोने की वजह से उन पर और सारा पर गुस्सा हो रहा था। वो सारा से कहता है कि तुम बच्चों को चुप कराओ, पर जब वह बच्चे चुप नहीं हो रहे थे तब वह उन्हें उठाकर समुद्र में फेंकने ही वाला था, पर तभी सारा उस पर पतवार से वार करती है और उसे मार देती है और इसके बाद उसे समंदर में फेंक देती है। अब किसी तरह से ये दिन भी बीत जाता है और अगले दिन तेज लहरों की वजह से जब सारा की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके सामने एक आइलैंड है। इन तेज लहरों से बचते हुए वह किसी तरह से उस आइलैंड पर पहुंचती है। भूख और प्यास से उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, पर सबसे पहले वह सिर छुपाने के लिए एक टेंट बनाती है और फिर बच्चों को पानी पिलाती है। फिर इसके बाद वह आइलैंड का मुआयना करती है, जहां उसे पीने के लिए साफ पानी और खाने के लिए कुछ फ्रूट्स भी मिलते हैं, जिससे वह बहुत ही खुश होती है। लेकिन तभी बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे वह बच्चों को लेकर वापस अपने टेंट पर आ जाती है। अब जब कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है तो वह बच्चों को लेकर बीच पर पहुंचती है और इस बच्चे का नाम पैडी था, लेकिन सारा को उसका नाम पता नहीं था, इसलिए वह उसका नाम रिचर्ड रखती है। तभी रिचर्ड सारा को एक घर की तरफ इशारा करता है जो कि उसके पेरेंट्स का था, यानी कि रिचर्ड और एमलिन का। और सारा भी उसी आइलैंड पर पहुंची थी जिस पर रिचर्ड और एमलिन पहुंचे थे। अब वह बच्चा रिचर्ड अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। जब उसे वह कहीं नहीं दिखती तो रिचर्ड रोने लगता है। तब सारा कहती है कि आज से मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। और हम देखते हैं कि उस घर में सारी चीजें वैसे ही पड़ी थी जैसे कि रिचर्ड और एमलिन छोड़ के गए थे। अब सारा रिचर्ड और लिली के साथ उस घर में रहने लगी थी। फिर एक रात जब वह बच्चों को सुला रही थी तब उसे ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर निकलकर देखती है तो उसे कई सारी नौकाएं दिखाई देती हैं। अब लिली और रिचर्ड उस आइलैंड पर बड़े हो रहे थे और वो नई नई चीजें सीख रहे थे। फिर एक रात फिर से सारा को वह आवाज सुनाई देती है और उस घर में पड़े एक कागज से उसे पता चलता है कि हर 3 महीने में पूर्णिमा की रात को उस आइलैंड पर कोई तो आता है। इसलिए वह तुरंत अपने घर की रोशनी बुझा के बच्चों को सुला देती है। ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं। अब रिचर्ड 10 साल का हो चुका था और वहीं लिली 8 साल की। वह दोनों पूरा दिन एक साथ खेला करते थे। अब सारा भी उन बच्चों को लाइफ से रिलेटेड बातें बताती है। वो बताती है कि कैसे एक लड़का बड़ा होकर आदमी बनता है, तो वहीं कैसे एक लड़की बड़ी होकर एक औरत बनती है और बड़े होने पर उनके शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और वो शादी होने से लेकर बच्चे होने तक का सारा प्रोसेस बताती है और बच्चों के मन में जो भी डाउट्स थे उन्हें वह क्लियर करती है। फिर दिखाया जाता है कि एक दिन लिली और रिचर्ड मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, जहां वो नाव को एक पत्थर के सहारे बांध के मछली पकड़ रहे थे, लेकिन तभी वह रस्सी खुल जाती है और नाव तैर के किनारे तक पहुंच जाती है। अब उन्हें भी वापस किनारे पर आना था, पर पानी में शार्क घूम रही थी। यहां सारा बच्चों को ढूंढ रही थी और अब अंधेरा भी हो चुका था। तभी रिचर्ड शार्क का ध्यान भटकाने के लिए पानी में एक मछली को फेंकता है, जिससे कि उन्हें भागने का टाइम मिल सके, और इसी तरह वो अपने नाव तक पहुंच जाते हैं, जहां सारा इन दोनों को बहुत डांटती है क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी।
और फिर एक दिन बारिश के मौसम में सारा घर को ठीक करने जाती है क्योंकि घर की छत काफी टपक रही थी और घर के अंदर पानी आ रहा था। पर उसके बाद से ही उसकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। उसे शायद निमोनिया हो गया था और उसे लग रहा था कि अब वह नहीं बचने वाली। तो वह रिचर्ड और सारा को अपनी मनपसंद जगह बताती है और रिचर्ड से कहती है कि मैं ही तुम्हारी सच्ची माँ हूँ। और इन दोनों के सहारे से चलकर वह अपने मनपसंद जगह पर पहुँचती है और वहीं दम तोड़ देती है। लिली और रिचर्ड भी उसकी मनपसंद जगह पर उसे दफना देते हैं। अब इस पूरे सुनसान आइलैंड पर सिर्फ लिली और रिचर्ड ही थे और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब वो दोनों काफी बड़े हो गए थे। फिर एक दिन रिचर्ड लिली को एक गेम के लिए चैलेंज करता है जिसमें उन्हीं के द्वारा छुपाए गए अंडों को उन्हें ढूंढना होता है। लेकिन लिली पहले तो इस खेल के लिए मना कर देती है पर बाद में वो मान जाती है। अब रिचर्ड कहता है कि जो भी सबसे ज्यादा अंडे इकट्ठा करेगा उसे एक प्राइज मिलेगा। लिली कहती है कि कैसा प्राइज? तो रिचर्ड कहता है कि वह कुछ भी हो सकता है। अब वो गेम स्टार्ट करते हैं जिसमें लिली विनर रहती है और वो अपना प्राइज मांगती है। तो रिचर्ड समंदर में गोता लगाकर एक मोती ढूंढ लाता है और लिली को देता है। अब लिली और रिचर्ड एक दूसरे के लिए अपने मन में अट्रैक्शन फील करते हैं और लिली भी अपनी बॉडी में आई चेंजेस की वजह से उन्हें नोटिस करती है। तो वहीं रिचर्ड भी लिली को छुप छुप के देखा करता था। रिचर्ड हमेशा मछली पकड़ने के लिए बीच से थोड़ा आगे जाता था जहां वो कई बार शार्क को चकमा देकर वहां से भाग आता था। उसकी इस हरकत के लिए लिली उसे डांटती भी है। तो रिचर्ड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम रहने दो, तुम तो अपने आप को ही टच करती रहती हो। लिली कहती है कि मैं ऐसा नहीं करती। तो रिचर्ड कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है। लिली कहती है कि वो तो मैं बस अपनी बॉडी में आए चेंजेस को देख रही थी, पर तुम्हें मुझे इस तरह से नहीं देखना चाहिए। तो रिचर्ड कहता है कि क्यों ना देखूं? मैंने तुम्हें बचपन से ही बिना कपड़ों के देखा है तो अब क्यों ना देखूं? तो लिली कहती है कि तब मैं छोटी थी लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और ये कह के वो वहां से जाने लगती है पर रिचर्ड उसे मना लेता है और दोनों डांस करने लगते हैं। और डांस करते करते वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं पर लिली तुरंत रिचर्ड से दूर हो जाती है और वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमें अलग अलग सोना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब अगले दिन जब लिली सो के उठती है तो वह अपने बेड में खून देखती है। पहले तो वह बहुत डर जाती है पर बाद में उसे सारा की सिखाई हुई बातें याद आती है और उसे समझ में आ गया था कि यह उसका पहला पीरियड था। और अब वह अपने कपड़ों को लेकर एक झरने में साफ करने के लिए जाती है। वहीं रिचर्ड भी उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बेड पर ब्लड देखा, तुम ठीक तो हो ना? तब लिली कहती है कि क्या तुम्हें याद है मॉम ने क्या कहा था, जब एक लड़की बड़ी होकर औरत बनती है तो क्या क्या होता है। रिचर्ड को उसकी बात समझ में आ जाती है और अगले दिन जब रिचर्ड सो रहा था तो लिली उसके पास आती है और उसे जगाती है। अब चूंकि वह बिना कपड़े के सो रहा था तो वह अपने आप को एक कपड़े से ढकता है। पर इसी बीच लिली कुछ देख लेती है और रिचर्ड से सवाल करने लगती है कि ये क्या है। वो उस पर हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है लेकिन रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और लिली कंफ्यूज हो जाती है और अपनी मॉम की कब्र पर आती है और उनसे बातें करने लगती है। तभी रिचर्ड भी उसके पीछे आता है तो लिली उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। इस वजह से वह गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि मैं इस आइलैंड से दूसरी तरफ जा रहा हूँ। लिली उसे रोकती है पर वो नहीं मानता और आइलैंड की दूसरी साइड पर चला जाता है जहाँ एक जगह पे उसे एक इंसानी खोपड़ी और कंकाल दिखाई देते हैं और ये वही जगह थी जहाँ वो जंगली आदिवासी इंसानों की बलि देते थे। तभी उसे भी उन जंगली आदिवासियों की आवाज़ सुनाई देती है और अब रात होने वाली थी इसलिए खुद को छिपाने के लिए वह अपने शरीर पर कीचड़ लगा लेता है। इधर हम लिली को देखते हैं जो कि उसका वेट कर रही थी। तभी वो आदिवासी भी आते हैं और अपनी रस्मों को करने लगते हैं। रिचर्ड ये सब कुछ छुप के देख रहा था। तभी एक आदिवासी रिचर्ड को देख लेता है पर वो बिना उसे कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कि यह उनके ही बीच का कोई आदमी है। रिचर्ड को उस पत्थर पर खून दिखाई देता है जहाँ पर उन्होंने बलि दी होती है। अब सुबह होती है और रिचर्ड अपने घर की तरफ जा रहा था तभी उसे लिली मिलती है जो उसे ढूंढने आ रही थी। वो कहती है कि तुम रात भर कहाँ थे, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। अब इस इंसिडेंट के बाद उन दोनों में चल रही बहस खत्म हो जाती है और वो दोनों अब काफी क्लोज आ जाते हैं। यह पहली बार था जब इन दोनों ने किस किया था और अगले ही दिन वो शादी कर लेते हैं और अब के बाद से वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वो हर लम्हे हर पल को एक साथ जीते थे और ऐसे ही वो अपनी मैरिड लाइफ जी रहे थे जिसमें प्यार था, नया एहसास था और एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा केयर थी। अब ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन उन्हें समंदर में एक जहाज दिखाई देता है और वो तुरंत सिग्नल देने के लिए लकड़ियां जलाने के लिए जाते हैं पर वो देखते हैं कि वो लोग यहीं आ रहे थे। उनके साथ एक लड़की भी थी और उनके पास एक राइफल भी थी। तो रिचर्ड और लिली उनसे मिलते हैं और उनका वेलकम करते हैं।
वो कैप्टन जैकब थे और उनके साथ उनकी बेटी भी थी। वो यहाँ साफ और ताजे पानी के लिए आए थे, लेकिन रिचर्ड और लिली के कपड़े देख उन्हें बहुत ही अजीब लगता है। कैप्टन जैकब की बेटी का नाम सिल्विया है। सिल्विया को लगता है कि वो दोनों बहन और भाई हैं, पर लिली कहती है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। ये सुनकर वह चौंक जाती है और लिली कहती है कि 6 साल पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और वो यहाँ कब से हैं उन्हें ये नहीं पता, बस वो हर महीने की पूर्णिमा को गिनते हैं। अब रात को लिली और रिचर्ड उन लोगों को डिनर करवाते हैं तो कैप्टन जैकब को उनका खाना बहुत पसंद आता है। रिचर्ड उन्हें अपने साथ वापस ले जाने को कहता है तो जैकब उन दोनों को नए कपड़े और जूते देता है। इसी बीच सिल्विया रिचर्ड को पसंद करने लगी थी और उसे नोटिस करने लगी थी। अब रिचर्ड उन्हें वाटरफॉल दिखाता है जहाँ साफ पानी मौजूद था। अब ये लोग पानी भरने लगते हैं, पर रिचर्ड और लिली को ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए वह कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते हैं। सिल्विया अब किसी तरह से लिली को उसके रास्ते से हटाकर रिचर्ड को हासिल करना चाहती थी। और फिर एक रात वो रिचर्ड के साथ डांस करने लगती है, जिसे देखकर लिली गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। और सुबह लिली सिल्विया की तरह मेकअप करती है। वो सिल्विया की तरह दिखना चाहती थी ताकि वह रिचर्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, पर उसे पता नहीं होता कि लिपस्टिक कितनी और कहां कहां लगानी चाहिए। और जब रिचर्ड उसका मेकअप देखता है तो उसे हंसते हुए कहता है कि जाओ अपना मुंह धो लो, और ये कहकर वो सिल्विया के साथ मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। अब यहाँ नाव में सिल्विया उसके करीब आने की कोशिश करती है, तो वहीं दूसरी तरफ लिली नहा रही थी और उस पर कैप्टन के एक आदमी की नज़र थी। और जैसे ही वह बाहर आती है तो वो आदमी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं बातों ही बातों में रिचर्ड सिल्विया को लिली कह के बुलाता है, तो सिल्विया कहती है कि उसका नाम मत लो। रिचर्ड कहता है कि मैं उसके साथ पला बड़ा हूँ, मैंने उसके साथ शादी कर ली है, मैं उसे चीट नहीं कर सकता। रिचर्ड की बात सुनकर सिल्विया को गुस्सा आ जाता है और वह उसे थप्पड़ मार देती है, इसलिए रिचर्ड भी उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ कैप्टन का आदमी लिली के पीछे पड़ जाता है। वह उसे उस मोती के बारे में पूछने लगता है जो उसने लिली के बालों में देख लिया था। लिली जैसे ही उसे मोती दिखाती है वह उसे छीन लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी रिचर्ड भी वहां आ जाता है और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब वह आदमी रिचर्ड पर गोली चलाता है जिसकी आवाज दूसरे लोगों ने भी सुन ली थी। अब वो राइफल लेकर उसके पीछे पड़ जाता है और एक के बाद एक उस पर कई फायर करता है, पर सारी की सारी गोलियां मिस हो जाती हैं। तभी रिचर्ड के पीछे भागते वक्त वह आदमी गिर जाता है, जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। अब वह फिर भी रिचर्ड का पीछा नहीं छोड़ता तो रिचर्ड उसे ठीक वहीं पर ले आया था जहां उसने सार्क को कई बार देखा था, और वह चकमा देकर उसे सार्क के चंगुल में फंसा देता है और खुद भाग आता है, और वो शार्क उस आदमी का काम तमाम कर देती है। अब वह भागते हुए लिली के पास आता है और उसे उस शिप के साथ वापस जाने की बात करता है, पर लिली उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, और साथ में वो यह भी बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, तो अब अपने बच्चे को वह इसी आइलैंड पर बड़ा करेगी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसका बच्चा उस माहौल में पले बढ़े जहाँ पर बंदूकें चलाई जाती हैं, जहाँ पर लोग औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए यह दोनों फैसला करते हैं कि यह दोनों अपने बच्चे को यहीं पर बड़ा करेंगे, और यह जहाज यहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि इन्हें एक बेटी होती है, और हम देखते हैं कि वो सभी अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब इस मूवी के बारे में अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों, इस मूवी का तीसरा पार्ट भी अवेलेबल है, अगर आपको उसे देखना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।